हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सस्सी सर की क्लास। इस तरह के सेंटेंस अक्सर आप बोलते होंगे या फिर किसी से सुना होगा, जैसे मेरी मेहनत रंग ला रही है, हमारी दोस्ती एक दिन रंग लाएगी। इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, आइए इसको समझते हैं। और इसी वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रंग लाना, इसके लिए हम लिखते हैं पी ऑफ। आइए इसके रूल को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको सेंटेंस को लिखना होता है जो किसी भी टेंस का हो सकता है, और आपको लास्ट में पी ऑफ का इस्तेमाल करना होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो पी है वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि टेंस के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसकी मेहनत रंग लाई, हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ, या पास्ट इंडेफिनिट है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, या फ्यूचर इंडेफिनिट था। हमारी दोस्ती रंग ला रही है, आवर फ्रेंडशिप इज पेइंग ऑफ, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। उसकी समझदारी एक दिन रंग लाएगी, या फ्यूचर इंडेफिनिट है। हिज विजडम विल वन डे पे ऑफ, मेरी मेहनत अब रंग ला रही है, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। My hard work is paying off now. सबकी मेहनत एक दिन रंग लाती है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। Everyone's hard work pays off one day. एक सेंटेंस आपके लिए जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। तुम्हारा काम रंग ला रहा है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी मुलाकात फिर होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।